Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Medicos Gallery. Friends, today we are going to discuss about an important drug that is Thuza Occidentalis. Thuza Occidentalis, common name Tree of Life. एंड वाइट सिडर फैमिली नेम कॉन्स्टिट्यूशन थ्रूजा बियर्स द सेम रिलेशन टू दाइक्सिस ऑफ हैनीमैन पिग वर्ड्स कॉन्डाइलोमेटा एंड वॉट लाइक एक्सक्रेसेंसिस अपन म्यूकस एंड क्यूटेनियस सर्फिस और मर्की टू सिफिलिस तो ये पैराग्राफ को समझने के लिए हमें क्या करना होगा तो डैस जो बड़ा सा एक डैस दिया है उससे पहले जो लाइन है फर्स्ट लाइन पहले वो देखेंगे उसके बाद डैश के बाद थर्ड लाइन में जो लाइन दिया है दैट सल्फर डर्स टू सोरा ये वाला को उसके बाद जस्ट बाद देखेंगे बीच का जो लाइन है फिग फिगवर्ड्स कॉन्डाइलोमीटर इसको अभी स्किप मारेंगे तो क्या कह रहा है थूजा बियर्स द सेम रिलेशन टू द साइकोसिस ऑफ हैनीमैन दैट सल्फर डर्स टू सोरा और मरकरी टू सिफिलिस्ट यानी कि हैनीमैन के जो तीन माइजम्स हैं साइकोसिस सोरा सिफिलिस तो सोरा और सल्फर का जो रिलेशन है और मरकरी और सिफिलिस का जो रिलेशन है वैसा ही सेम रिलेशन थूजा का साइकोसिस के साथ है यानि कि हमें पहले से पता है कि सल्फर इज़ द किंग ऑफ सोरा सल्फर और सोरा का क्या रिलेशन है कि सल्फ़र किंग ऑफ सोरा है मरकरी और सिफिलिस का क्या रिलेशन है मरकरी किंग ऑफ सिफिलिस है तो वैसा ही सेम रिलेशन थूजा का साइकोसिस के साथ है दैट मीन्स थूजा भी साइकोसिस का किंग है तो थूजा इज़ द किंग ऑफ साइकोसिस सल्फर इज द किंग ऑफ सोरा एंड मर्करी इज द किंग ऑफ सिफिलिस सेकेंड क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट अडेप्टेड टू हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राउव विच इज़ रिलेटेड टू साइकोसिस इफेक्ट इज टू कॉज तो कह रहा है कि थूजा जो है वो वैसे पेशेंट्स को अडेप्ट है जिनका हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो so, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो so, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन का इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनके डायथिस के लिए उनके प्री डिस्पोजिशन के लिए मतलब वो जन्म से ही उनका होता है कि वो कौन से डिजीज़ के प्रति ज़्यादा प्री डिस्पोज होंगे वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही होता है तो ये कह रहा है अडेप्टेड टू हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राउ गूगल तो ग्राउ गूगल एक साइंटिस्ट थे जिनके अकॉर्डिंग तीन टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन ऑक्सीजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कार्बोनाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कह रहे हैं कि थूज़ा वाले पेशेंट्स हाइड्रोजीनस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं हाइड्रोजीनस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पेशेंट में पेशेंट के जो सेल्स होते हैं उनमें वाटर का एक्यूमुलेशन जितना नॉर्मल होना चाहिए का एफिनिटी वाटर बाइंडिंग एफिनिटी वो ज़्यादा होता है एक्सेस अमाउंट में वाटर सेल्स के अंदर जमा होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में ड्रॉपसी देखने को मिलता है और उन्हें डैम्प वेदर रेनी वेदर इन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में है तो हा, और हाइड्रोजिनस पेशेंट्स जो होंगे तो होंगे ही साथ ही साथ वो थोड़े लेजी टाइप्स भी होंगे स्लो होंगे स्लागिश होंगे तो उसके बाद क्या करें विच इज़ रिलेटेड टू साइकोसिस एज इफेक्ट इज टू कॉज यानी हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइकोसिस से रिलेटेड होता है क्योंकि हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन एज इफेक्ट इज टू कॉज मतलब कि उसका इफेक्ट ही है कॉज करना कुछ ग्रोथ को कर, लाना साइकोसिस में भी वही होता है तो हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि साइकोसिस से रिलेटेड है इनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होंगे फिर थर्ड पॉइंट क्या है एक्ट्स वेल इन लिम्फैटिक टेम्परामेंट इन वेरी फ्लेसी पर्सनस डार्क कॉम्प्लेक्शन ब्लैक हेयर अनहेल्दी स्किन तो लिम्फैटिक टेम्परामेंट में अच्छा काम करता है यानी थूजा का लिम्फैटिक टेम्परामेंट होता है लिम्फैटिक टेम्परामेंट में क्या होता है कि लिम्फ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है लिम्फ का लिम्फैटिक वेसल्स में पेल हो जाता है अनेमिक होता है स्लागिश होता है इन वेरी फ्लैशी पर्सन यानी बहुत ही फ्लैशी बहुत ही मांस बहुत ही गुद्दा होगा मसल्स होगा उनमें उसमें उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा ब्लैक हेयर्स होंगे और स्किन अनहेल्दी होगा तो ये था सूजा ऑक्सीडेंटलिस्ट के पेशेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा नेक्स्ट मेंटल जनरल्स फिक्स्ड आइडियाज़ एज इफ अ स्ट्रेंज पर्सन वेयर एट हिज साइड एज इफ सोल and body were separated as if a living animal were in abdomen of being under the influence of a superior power. Fixed ideas यानी थूजा ऑक्सीडेंटलिस mein fixed ideas होते हैं यानी उनका उन वो ऐसे बिलीव उनमें होती हैं जो वो नहीं छोड़ सकते वो चीज़ एक्सेप्ट कर ही लेते जो एक चीज़ वो सोचते हैं वो एक्सेप्ट कर ही लेते चाहे उन्हें कितना भी समझाया जाए कि वो वैसा नहीं है लेकिन वो नहीं समझते उनमें फिक्स्ड आइडियाज़ होती है जैसे कि एज ई फॉर स्ट्रेंज पर्सन वे आर ई वेयर एट हिज साइड जैसे कि उन्हें लगता है जैसे कि कोई अजीब सा आदमी उसके बगल में है एज इफ सोल एंड बॉडी वेयर सेपरेटेड उन्हें ऐसा लगता है जैसे आत्मा और शरीर अलग हो गई है एज ई फॉर लिविंग एनिमल वेयर इन एबडमेन ऑफ बींग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सुपीरियर पावर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जिंदा जानवर उनके एबडमेन के अंदर है इधर उधर हिल रहा है हाथ पैर हिला रहा है एक्चुअली वो कोई लिविंग एनिमल नहीं होता है बट उन्हें लगता है ऐसा कि उनके पेट के अंदर उनके एबडमिन के अंदर लिविंग एनिमल है उनमें फिक्स आइडियाज़ होती है इस चीज़ को लेके। ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सुपीरियर पावर उन्हें लगता है कि वो किसी सुपीरियर पावर में सुपीरियर पावर के कंट्रोल के अंदर है वो अपने इन्फ्लुएंस में नहीं है वो किसी सुपीरियर पावर के इन्फ्लुएंस के अंदर है। ये सब उनमें फिक्स आइडियाज़ होते हैं इंसेंट वूमन विल नॉट बी टर्स और अप्रोज और जो पागल औरतें होती हैं वो नहीं चाहेंगी कि उन्हें कोई छुए या फिर उनके पास आए फिज़िकल जनरल्स एलिमेंट्स फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन एंटिमटाट साइलिशा यानी कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लेने के बाद जो बैड इफेक्ट्स होते हैं फीवर रेसिस डायरिया जो भी बैड इफ़ेक्ट्स आफ्टर वैक्सीन डेवलप करें तो उस केस में हम थूजा दे सकते हैं साथ ही साथ एंटिमटाट और साइलिशिया भी है सप्रेस्ड और मॉलट्रीटेड गोनोरिया यानी कि अगर कि कभी गोनोरिया हुआ था उसे दवा दे कर के सप्रेस कर दिया गया या फिर मॉलट्रेटेड सही से ट्रीट नहीं किया गया तो उस केस में भी उस उनसे जो प्रॉब्लम्स आए उस केस में भी हम थूजा दे कर के ठीक कर सकते हैं एंड ब्रैकेट में है मेडोरिनम मेडोरिनम भी अप्लीकेबल है इस केस में सेंसेशन एज एफ बॉडी स्पेशली द लिम्स वे आर मेड ऑफ ग्लास एंड वुड ब्रेक इजिली उन्हें ऐसा सेंसेशन होता है ऐसा फील होता है जैसे कि उनका जो बॉडी है स्पेशली बॉडी में भी स्पेशली हाथ और पैर वो कांच के बने हुए हैं ग्लास के बने हुए हैं और आसानी से टूट जाएंगे फ्लैस फील्स एज इफ बीटन फ्रॉम द बोन्स उनके जो मसल्स हैं उन्हें लगता है कि उनका जो मांस है उस पर मारा गया हो जैसे कि उन्हें बीट किया गया हो ऐसा फील होता है और उन्हें ब्रेन बोन्स से खरोच के स्क्रेप करके हटा दिया गया हो तो उन्हें क्या लगता है कि उनके बोन फ्लैस uh, पे मारा गया है और बोन से अलग कर दिया गया है ही सेम फाइटोलेका में भी होता है एज इफ स्क्रेब्ड रस्टक्स और रस्टक्स में ऐसा लगता है जैसे कि फ्लैश को बोन से खरोच करके नाइफ से खरोच करके अलग कर दिया गया है बिगिनिंग इन द थाइज मतलब कि बुखार के टाइम में जब चिल स्टेज आता है तो चिल स्टेज उसके थाइज रीजन से शुरू होता है स्वेट ओनली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स पसीना केवल उन हिस्सों में होगा जो कि अनकवर्ड है और ऑल ओवर एक्सेप्ट द हेड या फिर पूरे बॉडी में स्वेट होगा सिर्फ हेड को छोड़ के रिवर्स ऑफ साइलिशिया यानी कि साइलिशिया में क्या होता है कि हेड में पसीना होता है होल बॉडी में नहीं हो सकता है वेन ही स्लीप्स स्टॉप्स वेन ही अवेक्स मतलब कि स्वेट तब होता है जब वो सो रहा होता है वेन ही स्लीप्स जब वो सो रहा होता है तब उसे पसीना हो रहा होता है स्टॉप्स वेन ही अवेक्स वेक्स जब वो जग जाता है तो उसका पसीना भी बंद हो जाता है सोते टाइम पसीना होगा और जैसे ही उठ जाएगा पसीना बंद हो जाएगा रिवर ऑफ सैम्ब्यूकस सैम्ब्यूकस का जस्ट उल्टा है सैम्ब्यूकस में क्या होता है कि जब वो सो रहा होता है तब उसे पसीना नहीं होता है और जब वो उठ जाता है तो उसका पसीना चालू हो जाता है प्रोफ्यूज़ सावर स्मेलिंग यानी कि जो पसीना होगा थूज़ा में वो प्रोफ्यूज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना होगा और खट्टा स्मेल होगा फीटिड एट नाइट फीटिड मतलब बदबूदार स्मेल होगा एंड एट नाइट रात के टाइम में ज़्यादा पसीना होगा जब वो सो रहा होता है परस्परेशन स्मेलिंग लाइक हनी ऑन द जेनाइटल्स तो जो जेनिटल रीजन होंगे वहाँ पे जो पसीना होगा वो शहद की तरह स्मेल करेगा हनी की तरह उसका स्मेल आएगा. हेड आई गो क्लोजिंग द आइज तो जब वो पेशेंट आइज क्लोज करेगा जब भी वो आंखें बंद करेगा तो उसका सिर घूमने लगेगा और जैसे ही आंख खोलेगा तो नॉर्मल हो जाएगा सेम ऐसा ही देखने को मिलता है लैकेसिस में और थेरीडियॉन में हेड एक एज इफ अ नेल हैड बिन ड्रिवन इन टू पैराइटल बोन्स तो उसके सर दर्द में कैसा लगेगा जैसे कि जो पेराइटल बोन्स है जैसा पिक्चर में दिखाया जा रहा है तो पेराइटल बोन्स में ऐसा लगेगा जैसे कि कांटी चला चलाया जा रहा है कांटी चल रहा है पेराइटल बोन्स में वैसा टाइप का दर्द होगा और सेम ऐसा ही देखने को मिलता है कॉफिया में एंड इग्नेशिया में और, और एज इफ अ कॉन्वेक्स बटन वे आर प्रेस ऑन द पार्ट या फिर ऐसा लगता है जैसे कि कॉन्वेक्स बटन साइड साइड में एकदम प्रेस कर रहा है दबाया जा रहा है इतना दर्द होता है एग्रवेशन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसिस ओवर हीटिंग फ्रॉम टी और ये जो हेडेक है ये बढ़ कैसे जाएगा तो जब एक सेक्सुअल एक्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी होगा तो उस केस में हेडेक बढ़ सकता है ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सन हीट हो रहे हैं या चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो उस केस में सर दर्द बढ़ सकता है और सेम ऐसा ही देखने को मिलता है सेलिनियम में हेडेक में और क्या लिखा है सेलिनियम के बाद क्रॉनिक और साइकोटिक और सिफिलिटिक औरजिन क्रॉनिक मतलब कि हेड इनका जो होगा चूजा का वो क्रॉनिक होगा लॉन्ग टाइम से ये हेड चल आ रहा होगा और साइकोटिक और सिफिलिटिक औरजन मतलब कि ये हेडक किस वजह से हो सकता है कि कभी पास्ट में कोई साइकोटिक डिजीज़ हुआ हो जैसे गोनोरिया वगैरह हुआ हो या सिफिलिटिक कोई डिजीज सिफिलिस हुआ हो तो साइकोटिक डिजीज़ या सिफिलिटिक डिजीज के वजह से हो सकता है ये हेड आया हो तो psychotic और, और का हो सकता है एंड क्रॉनिक होगा लॉन्ग टाइम से ये हेड चल रहा होगा वाइट स्केल्स टाइप का डैंड्रफ होगा और बाल जो है वो ड्राई हो जाएंगे और गिरने लगेंगे झड़ने लगेंगे बाल आइज आइज में ऑफ न्यूनेटोरम साइकोटिक और सिफिलिटिक ऑपथेलमियान के केस में हम दे सकते हैं थूसा को अपथेलमिया योनीटोरम में क्या होता है जैसे कि मदर गोनोरिया से सफ़र कर रही है तो जब पार्चूरेशन के टाइम में जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो वो उसके आइज इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसे ऑपथेलमिया न्योनीटोरम हो जाता है और ये जो जो ऑपथेलमियाटोरम है वो साइकोटिक या सिफिलिटिक औरजिन का हो सकता है यानी कि पास में कोई साइकोटिक या सिफिलेटिक डिजीज़ हुआ होगा जिसके वजह से यह ऑपथेल्बियन यूनाटोरम डेवलप किया गया बेसिकली ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके आइज में इन्फेक्शन हो जाता है लार्ज लाइक वॉट्स और ब्लिस्टर्स बड़े बड़े दाने जैसे हो सकते हैं आइज में तो उसके इसमें थूजा को दे सकते हैं वॉट्स वॉट्स या फिर ब्लिस्टर्स की तरह अगर ग्रेन्यूल्स आइज में डेवलप कर गए तो थूजा अच्छा काम करेगा एमिल्योरेशन बाई वॉर्म एंड कवरिंग मतलब ये जो ग्रैन्यूल्स जो वाट्स या ब्लिस्टर्स हैं आइज में ये इसमें गर्म चीज़ दें या वार्म प्रोवाइड करें और कवरिंग करके रखें तो इसमें फिर आराम मिलता है इफ़ अनकवर्ड फील्स एज इफ अ कोल्ड स्ट्रीम ऑफ एयर वे आर ब्लोइंग आउट थ्रू दैम लेकिन जैसे ही अनकवर करेंगे उस पार्ट को तो ऐसा लगेगा जैसे ठंडा हवा का लहर जो है उससे बह रहा है उन्हें कोल्ड एयर से प्रॉब्लम होता है एग्रवेशन हो जाता है और एमिल्यूरेशन होता है वॉम से एंड कवरिंग से देन आई लिट्स अग्लूडीनेट एट नाइट रात के टाइम में आई लिट्स जो होते हैं वो एग्लूडिनेट हो जाते हैं थोड़े चिपक से जाते हैं ड्राई स्केली ऑन एजज आई लिट्स के एजेस ड्राई हो जाते हैं स्केली हो जाते हैं स्टाइस एंड टार्सल टीमर्स तो स्टाइज अगर डेवलप करे या टार्सल टीमर्स हो तो उस केस में भी हम दे सकते हैं थूसा चलाजे थिक हार्ड नॉट्स लाइक स्मॉल कॉन्डाइलोमेटा तो अगर चलाजे डेवलप किया है जो कि मोटा मोटा एकदम सख्त गांठ की तरह हार्ड नॉट्स की तरह सख्त गांठ की तरह हो जैसे छोटे छोटे कॉन्डाइलोमीटा है कॉन्डाइलोमेटा की तरह अगर डेवलप कर जाएँ चलाजे तो उस केस में भी हम थूजा दे सकते हैं आफ्टर स्टैफी सैगरिया पार्सियली एमिलेट्स डज नॉट क्योर तो जब ये जो आइज़ में जो आईलिड्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं चलाजे वगैरह डेवलप कर रहे हैं तो जब हमने एग्रिया दिया और वो आधा ठीक कर दिया तो लेकिन क्योर नहीं कर पाया तो उसके बाद हम थूज़ा दे सकते हैं ईयर्स क्रॉनिक ओटाइटिस डिस्चार्ज पोलेंट लाइक प्यूट्रीड मीट तो क्रॉनिक ओटाइटिस लॉन्ग टाइम से अगर इन्फ्लामेशन हो गया है ईयर्स का तो उस केस में हम थूज़ा दे सकते हैं डिस्चार्ज पोर्ोलेंट डिस्चार्ज पसी डिस्चार्ज निकल रहा है पस पस है प्यूट्रिड मीट सड़ा हुआ मीट की तरह स्मेल आ रहा है ग्रैन्यूल्स ग्रैनुलेशन्स ग्रैन्यूल्स डेवलप कर गए हैं कॉन्डाइलोमेटा पॉलिपी पेल रेड सेलुलर ब्लीडिंग ईजीली पेल रेड हो गया है पॉलिप डेवलप कर गए सेलुलर ब्लीडिंग ईजिली आसानी से खून निकल रहा है ईयर से तो वो सारे केसेस में भी हम थूसा दे सकते हैं नेक्स्ट इज नोज क्रॉनिक कैटर लॉन्ग टाइम से सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं आफ्टर एग्जैंथीमेटा थिक ग्रीन म्यूकस ब्लड एंड पस एग्जैंथीमेटा अगर रैसेस वगैरह डेवलप कर गए थे एग्जैंथीमेटा हुआ था कभी उसके बाद अगर लॉन्ग टाइम तक कैटर चल रहा है जुकाम हो रहा है जिसमें कि मोटा हरा हरा म्यूकस निकल रहा है थिक म्यूकस निकल रहा है ग्रीनिस क्योंकि तो जिसमें ब्लड और पस भी मिक्स हो सकता है और सेम ऐसा ही पल्सटीला में भी देखने को मिलता है कि उनमें भी ग्रीन ग्रीन म्यूकस होता है ब्लड और पस भी हो सकता है नेक्स्ट माउथ तित टिके एट द रूट क्राउन्स रिमेन साउंड यानी कि रूट में से तित सड़ जाता है रूट में तित डे कर जाएगा लेकिन जो क्राउन जो व्हाइट वाला पोर्सन होगा तित का वो ठीक ठाक रहेगा रिमेन साउंड यानी जड़ से दांत सड़ चुका है लेकिन ऊपर ठीक दिख रहा है तो उस केस में थूसा दे सकते हैं और ऐसा ही सेम देखने को मिलता है मिजीरियम में भी ऑन एजेस यानी कि तिथ अगर एजिस में सड़ जाए तो स्टैफी सैगरिया में इंडिकेट हो रहा है क्रम्बल टर्न येलो दांत टूटने लगते हैं ब्रिटल हो जाते हैं पीले पीले हो जाते हैं ऐसा ही सेम देखने को मिलता है सिफिलिनम में रेन्यूला ब्लूज और वेरिकोस वेन ऑन टंग और इन माउथ रेन्यूला कहाँ होता है तो जीव के नीचे होता है वहाँ पे फूल सा जाता है और वो क्यों होता है तो सलाइवा भर जाने की वजह से मतलब सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है उस जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है तो रैनुलर डेवलप कर जाता है उस केस में हम थूज़ा दे सकते हैं ब्लूइश और वेरिकोज वेन कैसा वो ब्लू ब्लू टाइप का होगा या फिर अगर टंग में वेरिकोज वेन डेवलप कर जाए जैसे पिक्चर में देखने देख सकते हैं आप जो ब्लूइश ब्लूइश जा रहा है धीफ का नीचे का पार्ट है वेरिकोज वेन है ये वेरिकोज वेन ऑन टंग और इन माउथ तो मुंह में टंग में अगर वेरिकोज वेन डेवलप कर जाए तो उस केस में थूज़ा दे सकते हैं और ऐसा ही सेम अमरा ग्रिसिया में भी देखने को मिलता है टूथ एक्स फ्राम टी ड्रिंकिंग अगर ज़्यादा चाय पीने की वजह से अगर दांतों में दर्द हो तो उसमें थोड़ा दे सकते हैं ऑन ब्लोइंग द नोज अ प्रेसिंग पेन इन द टू इन द हॉलो टूथ और एट द साइड ऑफ इट यूलेक्स बोइंग हॉज़न। तो बोइंग हॉज़न ने कहा था कि अगर नोज़ को ब्लो करेंगे नोज़ पर अगर थोड़ा सा मारेंगे और उस वजह से अगर जो दाँत हॉलो टूथ है यानी जिसमें गड्ढा सा हो गया जो सड़ रहा है तो उस हॉलो टूथ में प्रेसिंग पेन होगा और उसके साइड साइड में भी दर्द होगा ऐसा बोइंग हाउसन ने कहा था कि उस केस में थूजा दे सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कॉन्स्टिपेशन वायलेंट पेन इन रेक्टम कॉम्पेल सीज़न ऑफ एफर्ट मतलब रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन होगा बहुत ज़्यादा दर्द होगा स्टूल करते टाइम इतना दर्द होगा कि वो एफर्ट लगाना भी बंद कर देगा सीजिजन ऑफ एफ़र्ट यानी कि वो कोशिश करना भी छोड़ देगा स्टूल करने की कोशिश रोक देगा इतना ज़्यादा दर्द होगा स्टूल रिसीड्स आफ्टर बींग पार्टली एक्सपे एक्सपेल्ड यानी कि आफ्टर बींग पार्टली एक्सपेल्ड आधा निकलने के बाद स्टूल आधा निकला लेकिन उसके बाद फिर आधा पीछे लौट जाता है थोड़ा सा निकला थोड़ा पीछे ही रह गया तो उस केस में थुजा इंडिकेट हो रहा है और ऐसा ही सेम देखने को मिलता है सैनिक्यूला एंड साइलिशिया में पाइल पेन मोस्ट सीवियर वेन सिटिंग तो पाइल्स अगर इसमें पाइल्स भी हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वॉलिन होगा पेन मोस्ट सीवियर वेन सिटिंग दर्द ज़्यादा तब होगा जब वो बैठा होगा पेशेंट जब बैठेगा सिटिंग पोजिशन उस टाइम उसका पाइल वाला जो दर्द है वो ज़्यादा हो जाएगा डायरिया अर्ली मॉर्निंग एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस लाइक एलो तो डायरिया इसका भी एलो की तरह ही अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते उठते डायरिया हो जाए होने लगेगा एक्सपेल्ड फोर्स एकदम फोर्स के साथ जो है स्टूल निकलेगा साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्लैटस भी निकलेगा गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल जब स्टूल निकल रहा होगा तो ऐसा गर् गुड़ गुड़ की आवाज़ गर्गलिंग ऐसा लगेगा जैसे कि जो बंग होल जो जैसा पिक्चर में देख रहे हो आप तो बंग होल इसे कहते हैं तो बंग होल में पानी भरा हुआ रहता है उसमें जो होल है वहाँ पे टैप रहता है अगर उसको निकाल दें तो पानी जैसे एक बार में फोर्स के साथ जैसे आता है तो सेम थूज़ा के पेशेंट में स्टूल भी उसी टाइप से होता है एक बार में एकदम फोर्स के साथ जो है स्टूल एक्सपेल होता है एग्रवेशन आफ्टर ब्रेकफास्ट कॉफ़ी फैट फूड वैक्सीनेशन एंड अनियंस और ये जो इनका डायरिया है ये नाश्ता करने के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है सुबह सुबह नाश्ता किया उसके बाद इसका डायरिया ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से इसे ब्रेकफास्ट डायरिया भी बोलते हैं कॉफ़ी लेने के बाद फिर फैट फूड खाने के बाद या वैक्सीन लिए हैं तो उसके बाद प्याज खाने के बाद तो इन सभी चीज़ों के बाद उसका डायरिया थोड़ा बढ़ जाता है एनस पिशर्ड पेनफुल टू टच सराउंडेड विथ फ्लैट वॉड्स और मॉइस म्यूकस कॉन्डाइलोमेटा अब कॉन्स्टिपेशन वगैरह हुआ इतना ज़्यादा तो इनका जो एनस है फीशर हो जाता है पिक्चर में देखिए फ़ीसर कैसे मतलब एनस जो नॉर्मल उसका जो होल है उससे थोड़ा ज़्यादा और फट के निकल रहा तो दैट इज़ फीसर तो एनस में फीसर डेवलप कर जाता है छूने में बहुत दर्द होता है और एनस के आस पास फ्लैट वॉट्स होते हैं वॉट्स देख सकते हो आप और मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमेटा या फिर चारों एनस के चारों वाट फ्लैट वॉट्स हो हो सकते हैं या फिर मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमीटा भी हो सकता है चिपचिपा चिपचिपा म्यूकस वाला कॉन्डाइलोमीटा एबडमन एज इफ एन एनिमल वेयर क्राइंग, मोशन एज इफ समथिंग अ तो एबडमन में कैसा फील होता है थूजा पेशेंट्स को जैसे कि एक जानवर रो रहा है जैसे लगता है मोशन हो रहा है कुछ अंदर चल रहा है जैसे कि कोई जिंदा चीज है अंदर एज इफ समथिंग इज अ प्रोट्रूट्स हेयर एंड हेयर एंड देयर लाइक द आर्म ऑफ अ फिटस तो इधर उधर इधर उधर चल रहा होता है जैसे लगता है कोई बच्चा है उस अपने हाथ पैर हिला रहा है अंदर तो ऐसा सेंसेशन आता है और ऐसा ही सेम देखने को मिलता है क्रॉकस में नक्स मोज में और सल्फर में यूरिनरी सिस्टम सेंसेशन आफ्टर यूरिनेटिंग एज ऑफ यूरिन प्रिकलिंग इन यूरिथ्रा सीवियर कटिंग एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन तो यूरिनेटिंग यूरिन करने के बाद ऐसा सेंसेशन आता है जैसे कि यूरिथ्रा में कुछ यूरिन रह ही गया हो ट्रिकलिंग धीरे धीरे फ्लो करना मतलब जस्ट पेशेंट यूरिन करके आया और उसे लगता है कि नहीं अभी भी उसके यूरिथ्रा में थोड़ा थोड़ा यूरिन बह ही रहा है वो सेटिस्फाई नहीं होता सीवियर कटिंग एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन और यूरिन जैसे बंद किया यूरिन करना तो कटिंग पेन सा होता है उसमें और ऐसा ही सेम सरस परीला में भी देखने को मिलता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सप्रेस्ड गनोरिया कॉजिंग आर्टिक्यूलर र्यूमेटिजम प्रोस्टेटाइटिस तो अगर सप्रेस्ड गनोरिया हो सप्रेस्ड गनोरिया हुआ था सप्रेशन कर दिया गया उस सप्रेस्ड कॉनोरिया के वजह से अगर आर्टिकुलर रूमेटिज्म हो गए आर्टिकुलर मतलब कि जॉइंट्स जॉइंट्स में गठिया हो गया तो उस केस में थूजा इंडिकेटेड है प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन अगर हो जाए साइकोसिस इंपोर्टेंस कॉन्डाइलोमेटा एंड मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स तो इन सभी चीज़ों में सूजा इंडिकेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्ट्रेसिंग बर्निंग पेन इन लेफ्ट ओवेरियन रीजन मैन वॉकिंग और राइडिंग मस्ट सिट और लाइट डाउन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है जो उनका लेफ्ट ओवेरियन रीजन है उस एरिया में उन्हें बहुत ज़्यादा जलन वाला दर्द बर्निंग पेन होता है डिस्ट्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है प्रॉब्लमेटिक होता है वेन वॉकिंग और राइडिंग जब जब वो फीमेल चल रही होती है या कुछ सवारी कर रही होती है हॉर्स राइडिंग वगैरह जैसे कर रही है तो उस केस में उसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेफ़्ट ओवेरियन रीजन में और वो चाहती है कि वो बैठ जाए या फिर वो लेट जाए तो लेट जाने से या बैठ जाने से उसे आराम मिलता है और चलने से या सवारी करने से उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं और ऐसा ही सेम देखने को मिलता है क्रॉकस में और यूस में एट ईच मस्ट्रुअल साइनस और ये जो लेफ़्ट ओवेरियन रीजन का जो पेन है ये हर मैंस्ट्रोअल नाइसिस में यानी कि हर मैंस्ट्रुलअल जो होता है पीरियड उसमें बढ़ जाता है क्वाइसन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द विज़ाइना विजाइना बहुत ज़्यादा इनमें सेंसिटिव हो जाता है जिसके वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते उन्हें प्रॉब्लम होता है और ऐसा ही सेम देखने को मिलता है प्लेटिनम में बाय ड्राइनेस लाइकोपोडियम लाइजिनम एंड म्यूर मतलब प्लेटिनम और यथूजा में क्या होता है कि वेजाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जिसके वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं और लाइकोपोडियम लाइजिनम और नेट्रम म्यूर में क्या होता है कि वो उनका वेजाइना ड्राई बहुत हो जाता है ड्राइनेस की वजह से फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाते एक्सट्रीमिटीज़ वन वॉकिंग द लिम्स फील एज इफ मेड ऑफ़ वुड तो जब पेशेंट चल रहा होता है तो उसे लगता है जैसे कि उसके जो हाथ पाँव हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं स्पेशली द लोअर लिम उसे लगता है ऊड का है ये स्किन स्किन लुक्स डर्टी ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स हेयर एंड देयर स्किन गंदा गंदा सा रह लगता है और ब्राउन कलर के या ब्राउनिश वाइट कलर के स्पॉट्स जहाँ तहाँ स्किन में देखने को मिलते हैं वॉट्स उनमें देखने को मिलेगा वॉट कैसा होगा तो वॉट्स जो थूजा का वॉट है वो बड़ा बड़ा होगा सीडी बीज की तरह होगा पेडंक्यूलेटेड यानी कि उसमें पेडंकल्स होंगे एक ये स्टिक स्टिक टाइप होगा पेडंकल्स होगा और ऐसा ही सेम स्टैफ एग्रिया में भी देखने को मिलता है मतलब स्टैफिस एग्रिया और थूजा इनके वाट कैसे होंगे तो इनके जो मस्से दैट इज़ वाट बड़े बड़े होंगे बीज की तरह होंगे जिनका कि थोड़ा सा डंडा जैसा निकला होगा इरपस ओनली ऑन कवर्ड पार्ट्स बर्न आफ्टर स्क्रैचिंग और इनका जो इरप्शन होगा इनमें जो स्किन इपसंस होंगे वो केवल कवर्ड पार्ट्स में ही होंगे जो हिस्सा कवर्ड होगा ढका हुआ होगा केवल स्किन इप्सन्स वही वही होगा और स्क्रैच करने के बाद खुजलाने के बाद जलन होगा उन इरपसंस में नेल्स डिफॉर्म्ड एंड ब्रिटल, इसके नेल्स कैसे होंगे तो एंटीमक्रूड की तरह ही डिफॉर्म्ड होंगे अजीब से होंगे और ब्रिटल बहुत ही ईजिली ब्रेकेबल होंगे मॉडलिटीज़ एग्रवेशन एट नाइट फ्रॉम हीट ऑफ बेड एट थ्री एम एंड थ्री पी एम फ्राम कोल्ड डैम्प एयर एंड नार्कोटिक्स तो रात के टाइम में थूज़ा के पेशेंट्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है बेड की गर्मी से बढ़ जाता है सुबह तीन बजे और शाम के तीन बजे बढ़ जाता है प्रॉब्लम ठंडा और भीघा भीगा सा हवा अगर रहे उस मौसम में बढ़ जाता है नार्कोटिक्स लेने से भी बढ़ जाता है रिलेशन थूजा इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू मेडोरिनम सबाइना एंड सैलिशिया कॉम्पेयर कैनविस सटाइबा कैंथरिस कोपिविया एंड स्टेफिसग्रिया सीनाबार इज प्रफरेबल फॉर वॉड्स ऑन द प्रिप्यूज तो अगर प्रीप्यूस रीजन में अगर वॉड्स हो जाए तो हम सीनाबार को ज़्यादा प्रीफर करते हैं फॉलोज वेल आफ्टर मेडोरिनम मर्कसोल एंड नाइट्रिक एसिड सॉरी मर्क्यूरियस एंड नाइट्रिक एसिड तो मेडोरिनम के बाद मर्क्यूरियस के बाद नाइट्रिक एसिड के बाद तूजा अच्छा काम करता है सो फ्रेंड्स दिस वॉज तूजा ऑक्सीडेंटलिस्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरे किसी ड्रग के बारे में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन एंड स्टे ट्यून्ड वि